आज भी सनातन धर्म में हम देखेंगे कि बहुत से मोगली भी हैं। हम चाहें कि वो मोगली जंगल से आकर के 5 ही दिन में कोट पेंट पहन करके, टाई पहन करके जेंटलमैन बने, ये संभव नहीं है। और जेंटलमैन का मतलब क्या है? संस्कारी। सनातन धर्म में हम क्या करते हैं आजकल जन्मदिवस पर, पहले तो दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की जगह आ गई मोमबत्ती। घी का दीपक ऊर्जा प्रदान करता है, जो ऊर्जा घी में है वो मोम में नहीं है, वो मोमबत्ती में नहीं है। दूसरी बात, हम दीपक को फूंक मारते हैं। इसके विपरीत गांव देहात में लड़ाई झगड़े होते थे, क्या करते थे, चलो मंदिर में मैं दीपक प्रज्वलित करूंगा, तू फूंक मार करके नेम करना, यदि तू सच्चा है तो तू, मैं दीपक प्रज्वलित करूंगा और तू फूंक मार करके कहना कि ना मैं सच्चा हूं, यदि तू झूठा होगा तो भगवान तेरा दीपक बुझा देगा। कहने का मतलब यह है, हमारे यहाँ प्रकाश को महत्व दिया गया है, हम यहाँ प्रकाश प्रज्वलित करते हैं, फूंक नहीं मारते। आप जन्मदिवस मनाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, कोई जरूरी नहीं है कि इतने बड़े आयोजन करें। जन्मदिवस पर भगवान के श्री चरणों में दीप दान कीजिए, अखंड ज्योत कीजिए 24 घंटे की, और संकल्प कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन को रोशन कीजिए। और माता पिता अपनी संतान के जन्मदिवस पर भगवान श्री नारायण के चरणों में दीप दान करें कि हमारा दीपक सदैव प्रज्वलित रहे, कभी बुझने न पाए। और उल्टा हम इतना पास चलते होगे, आप कहोगे कि जी ये तो घोर कलयुग आ गया। घोर कलयुग बिल्कुल, किस प्रकार चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, और कुत्ता आदमी से डरता है, और आदमी औरत से डरता है, और औरत चूहे से डरती है। एक महाराज जी मेरे पास आए, कुछ उसके अनुयायी आए, मेरे को कहने लगे कि जी आप तो मूर्ति पूजा करते हो। मैंने कहा नहीं, हम तो मूर्ति की पूजा करते नहीं, हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। हमने चित्र की पूजा कभी की ही नहीं, चरित्र की पूजा की है। और हमारे मन में कभी जहर और वैमनस्य था ही नहीं। रावण के द्वारा लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्र आज तक हम उसको पढ़ते हैं, गाते हैं, परंतु रावण के मंदिर नहीं बनाए हमने। रावण द्वारा लिखा गया शिव तांडव स्तोत्र को हमने स्वीकार कर लिया, परंतु रावण के चरित्र को हमने स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत हमने राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया। तो कहने का मतलब है, वो महात्मा जी के कुछ शिष्य आए, मैंने चाय पिलाई, मैं बोला मैं जल्दी में हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप लोग बैठिए। अपना भी कोई भक्त धाम से जुड़ा हुआ था, वो भी बैठ गया, पूछने लग गए, खूब लंबी चौड़ी बातें हुई। तो उन्होंने एक मूर्ति देखी, ये हमारी गुरु जी की मूर्ति है, आप इसको पूजा घर में रख लीजिए। तो मैंने कहा जब मूर्ति ही रखनी है तो हमारे देवी देवताओं की मूर्ति में क्या खोट है, हनुमान जी की मूर्ति, माँ भगवती की मूर्ति, श्री विष्णु की मूर्ति, तेरे गुरु जी की मूर्ति में ऐसा क्या है जो इनमें नहीं है। तो कृपा करके थोड़ा सा विवेकशील भी बनिए, किसी के भ्रम या बहकावे में ना आइए। ईश्वर और परमात्मा को तो मानना ही पड़ता है, गुरु को मानना पड़ता है, गुरु से ज़्यादा गुरु की बात को मानना पड़ता है। हमने डॉक्टर को माना, डॉक्टर से ज़्यादा डॉक्टर की बात को मानना, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी उसको माना, जो परहेज दिए उसको माना, जो नियम दिए हमने उसको स्वीकार किया, तो ही ना बीमारी जाएगी। अब कहने का मतलब है, यदि मैं अस्पताल के बाहर इस कैमरामैन को खड़ा कर दूं कि भाई तुम ये चेक कर कितने मरीज अंदर जीवित गए और कितने मर करके आए, कितने जीव जीवित गए और कितने मर करके आए, डॉक्टर भगवान नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट दवाई लिख सकता है, बेस्ट सेवा कर सकता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है। धाम में, सत्संग में, गुरु के नाम में हर कोई जप करता है, किसी के काम बनते किसी के नहीं बनते। गुरु अपनी तरफ से कलम तोड़ता है, आगे आपकी पात्रता। अध्यापक कभी नहीं चाहता कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा फेल हो, परंतु फिर भी फेल हो जाते हैं, और कोई उसमें टॉप भी करता है।